विकासखंड हसेरन में मजदूर दिवस दिवस पर किसानों ने अपनी बात रखी। किसानों ने बताया, हम जितनी लागत लगाते हैं इतनी लागत हमें प्राप्त नहीं होती है। दिन रात हम मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं, फिर भी हमारा उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। किसानों ने बताया, सबसे बड़ी समस्या अन्न पशुओं से है, जिनके चलते दिन रात हम खेतों में ही पड़े रहते हैं। कभी समय मिलता है तो खाना खाते हैं, नहीं तो खेत पर ही रहना होता है। मक्का और मूंगफली की फसल में अधिक पानी लगता है, खेतों में अधिक पैसा लग जाता है, उपरांत उन्हें कम प्राप्त होता है। MPU's कास्ट से सुमित मिश्रा की रिपोर्ट, हसेरन कन्नौज। आज किसान दिवस के विषय में आप क्या कहेंगे, किसानों को क्या बताना चाहते हैं? किसानों को ये बताना चाहते हैं कि सर, जो कि फसल करते हैं उससे कोई लाभ नहीं निकल पा रहा है, और जितना खर्चा हम लोग कर रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं निकलता है, सिवाय नुकसान के अलावा कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। आपके खेतों में कौन कौन सी फसल खड़ी हुई है? मक्का है और सब्जियां भी करते हैं, और सब्जियां में मेहनत इतनी करनी पड़ती है, रात दिन उन्हें दिखाना पड़ता है, और फिर भी उससे कुछ लाभ नहीं हासिल होता है, हम लोगों को नुकसान के अलावा कुछ मिलता नहीं है। रात में क्यों रखानी पड़ती भाई? रात में इसलिए रखाना पड़ता है कि जैसे कि गाय भी परेशान करती है, जंगली जानवर भी परेशान करते हैं, और लागत उसकी सबसे ज्यादा, पानी लगाते लगाते परेशान रहते हैं, उसका मतलब खाद और पानी गेहूं, मतलब कोई भी चीज है उसमें अधिक से ज्यादा लागत है, और उसका लाभ मुझे मिल नहीं पाता पूरी तौर से। ग्राम कौन सा है आपका? हसेरन। क्या नाम है? मंडर। कहाँ से? बुढ़भुआ। तो आप क्या कहेंगे किसान के विषय में? किसान जितना खर्चा उतना पूरा नहीं होता है, बच नहीं रहा। आपके खेतों में क्या क्या फसल है? मूंगफली ठाड़ी, मक्का ठाड़ी। उसमें सरकार कोई मूल्य धंधे नहीं रही है, पानी यानी लगाते ही हो गए उसमें तो? पानी तो एक में आल लगाओ एक कल लगाओ, बहुत पानी लगता होगा उसमें खेतों में। पानी का 14% नहीं लग रहा, पैसा भी बहुत खर्चा होता है, इतना लागत मूल्य मिलती है आपको? आदुल्ला पल्ले पर रो। ग्राम कौन सा है? ग्राम हसेरन। क्या नाम है आपका? अरे नाम है राम के साथ। कहाँ रहते हो? हसेरन। आपके खेतों में क्या फसल है? फसल का ये है, तुरैया है, लौकिया है, और भिंडी है, प्याज है। तो आप लेटते कहाँ हो? आप घर नहीं जाते हो? ना। क्यों? रोटी खाया तो आई गाय नहीं मारा। गायों के लिए गाय कहाँ जाती है खेतों में? गायों से बड़ी दिक्कत होती है किसानों को, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको खेतों में? मेहनत के भाई ये तो रात दिन लगे रहते हैं, और जो ना पता रोटी आई तो खाई नहीं है, ना तो 11 बजे रोटी खाने जा रहे हैं। रात भर आपको यहीं पे लेटना पड़ता है गायों के लिए, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है आपको।